कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों में धीरे धीरे ढील दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के कुछ जिलों में पाबंदियों में ढील देते हुए आज से मोबाइल फोन सेवाएं शुरू कर दी गई। 25 दिन बाद जम्मू के 5 जिलों डोडा, रामबन, राजौरी, पुंछ और किश्तवाड़ में मोबाइल सेवा शुरू की गई है। यहां 5 अगस्त के बाद से मोबाइल फोन सेवाएं बंद कर दी गई थी। वहीं दूसरी ओर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार का अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने का फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए है। मलिक ने घोषणा की कि सरकार कुपवाड़ा और हंदवाड़ा जिलों में मोबाइल फोन कनेक्टिविटी खोलने जा रही है। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि फोन और इंटरनेट का उपयोग लोग कम करते हैं, जबकि इसका ज्यादातर इस्तेमाल आतंकवादियों की ओर से किया जाता है। टेलीफोन है, लैंडलाइन वाला ज्यादातर जगहों में खुल गया है, और ये जो हमारा मोबाइल है, इसको जैसे जैसे परिस्थिति सुधरती रहेगी हम ये लोगों का खोलते रहेंगे। इंटरनेट अलबत्ता हम शायद थोड़ी देर से खोलें, उसको बियर करना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि वो सबसे खतरनाक इंस्ट्रूमेंट है। सारा झूठ उसी से फैलाया जाता है। जो माध्यम है इसका, फोन वाला, इंटरनेट वाला, ये किसके काम आता है? थोड़ा बहुत हमारे काम आता है, लेकिन ज्यादा ये टेररिस्ट के काम आता है, पाकिस्तानियों के काम आता है, मोबिलाइज करने के काम आता है, इंडोक्ट्रिनेशन के काम आता है। ये एक तरह से हमारे खिलाफ हथियार है, इसलिए हमने इसको रोका हुआ है। हालांकि बाकी जिलों में अभी भी मोबाइल सेवा ठप है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर के बाकी जिलों में धीरे धीरे सेवाएं शुरू की जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।